हेलो दोस्तों, तो आज और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी ऑडियो में से आप बैकग्राउंड नॉइज़ को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ऐसा आपके साथ ही बहुत बार होता हो कि आप भी किसी भी चीज़ के लिए ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे, मान लीजिए आपको कोई यूट्यूब चैनल या फिर कुछ भी चीज़ के लिए आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तो बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ रहता है वो साथ ही साथ रिकॉर्ड होते रहता है। तो अभी मैं आपको एक ऑडियो का सैंपल सुनाऊंगा कैसे ये वाला जो ऑडियो पहले था और एडिट करने के बाद ये वाला जो ऑडियो है वो कैसे हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो ऑडियो फाइल है, एक नॉन एडिटेड ऑडियो फाइल है, एक एडिटेड फाइल है। दोनों सेम ही है, जिस एक को मैंने एडिट किया हुआ है, एक को मैंने नहीं एडिट किया। मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप ये बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना कि ये वाला जो ऑडियो था जो नॉन एडिटेड है, इसमें आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज़ है। तो अभी मैं आपको एडिटेड वाला जो ऑडियो है वो मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में पूरा का पूरा जो नॉइज़ है वो रिमूव हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ये बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको अपने डेस्कटॉप का स्क्रीन पे लेकर चलूंगा और उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सा आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, आप फिर आप उसको कैसे यूज करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका बताऊंगा ताकि आपको कोई सा भी दिक्कत ना आए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर ऑडेसिटी नाम का, इसको आपको अपने पीसी या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। आपको फ्री में इंटरनेट पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप किसी भी ब्राउजर का यूज करके सिंपली इसको अपने पीसी या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ आइकन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। पहला स्पेसिफिक ऑडियो मैंने इसमें इंपोर्ट किया, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, फाइल पे आपको चले जाना। उसके बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको ऑडियो पे चले जाना। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज कर लेना, मैंने ये वाला ऑडियो था, यही वाला ऑडियो है, तो सिंपली मैंने ये वाला ऑडियो को चूज कर लिया है। और आपने यहाँ पे ऑडियो को चूज कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप भी किसी भी काम के लिए आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, आप अगर आपके पूरा का पूरा बैकग्राउंड में नॉइज है तो आपको सिंपली करना क्या है, 2 से 3 सेकंड के लिए आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है, जो बैकग्राउंड का नॉइज है उसको कैप्चर होने देना। उसके बाद आप जो बोलना है वो आसानी से बोल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको एडिटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, तो ये वाला जो पूरा का पूरा जो साउंड है वो मेरे बैकग्राउंड का, मैं सिंपली यहाँ पे आपको प्ले करके एक बार सुना देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाला साउंड है, यहाँ पे बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नॉइज़ है। उसके बाद अगर आपको ये वाला जो बैकग्राउंड को नॉइज़ है उसको रिमूव करना है तो सिंपली मैं जैसे जैसे बताऊँगा आपको वैसे वैसे करना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो सैंपल के लिए मैं ये वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो सिंपली आपको करना क्या, ये वाला कोई सा ही पार्ट आपको सिलेक्ट करना है जिसमें नॉइज़ है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट भी, मैंने ये वाला पार्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको करना क्या, यहाँ पे इफेक्ट पे आपको चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या, गेट नॉइज़ प्रोफाइल पे आपको सिंपली प्रेस कर देना। उसके बाद आपको अगर पूरा का पूरा ऑडियो को अगर एडिट करना, पूरा का पूरा ऑडियो में से ये वाला जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको हटाना है तो सिंपली आपको करना क्या होगा, पूरा का पूरा ऑडियो को सिलेक्ट करना होगा। तो पूरा ऑडियो सिलेक्ट करने के लिए आपको करना कि यहाँ पे सिंपली एक बार आपको प्रेस कर देना है तो पूरा का पूरा ऑडियो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा ये वाला जो स्पेसिफिक कोई सा पार्ट है उसमें से बैकग्राउंड नॉइज को हटाना है तो सिंपली उस पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसे जैसे आप कोई सा भी आइकन या फिर डेस्कटॉप में जैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम वैसा ही करना है। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा ऑडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या, फिर से इफेक्ट में आपको चले जाना, फिर से नॉइज रिडक्शन पे चले जाना। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिले, आप साउंड को जो ये वाला जो आपको बैकग्राउंड में नॉइज है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, दूसरे से आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे रिड्यूस पहले से ही सिलेक्ट रहेगा तो सिंपली आपको इस पे प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में से ये पूरा का पूरा जो नॉइज है वो रिमूव हो चुका है। तो मैं आपको दोबारा प्ले करके सुनाता हूँ। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में भी थोड़ा थोड़ा तो आपको देखने के लिए मिल रहा है नॉइज़, तो उसको भी अगर रिमूव करना तो सिंपली आपको ये वाला जो पार्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जैसा आपने फर्स्ट वाला स्टेप किया था वैसा ही आपको यहाँ पे फिर से कर लेना है। तो अगर आपको जैसा आपको लग रहा है कि अभी भी नहीं यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव हुआ है तो आप ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो प्रोसेस है, उसको आप 2 से 3 बार आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। जब तक आपका जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो नहीं हट जाए तो आप ये वाला प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको दोबारा इफेक्ट पे चले जाना, नॉइज़ रिडक्शन पे चले जाना। उसके बाद आप यहाँ ओके पे प्रेस कर दो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है। तो मैं आपको ये वाला ऑडियो है जो दोबारा प्ले करके आपको सुनाता हूँ। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड आपको एक भी नॉइज देखने के लिए नहीं मिलेगा। कैसे आप ये बैकग्राउंड का जो नॉइज है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये वाला जो ऑडियो है इसमें आपको बेस को इंक्रीज करना है या फिर ट्रेवल इंक्रीज करना है या फिर आपको इसको नॉर्मलाइज करना है या फिर ये वाला जो स्पेसिफिक ऑडियो है इसको आपको साउंड को इंक्रीज करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊँ कि आप इस सॉफ्टवेयर के मदद से कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको इफेक्ट में चले जाना, आपको यहाँ पे फिल्टर कर्व का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पे मैनेज पे प्रेस कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पे बेस बूस्ट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ पे सिंपली बेस बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं ये वाला जो ऑडियो इसमें और बेस चाहिए तो सिंपली आपको ये वाला जो प्रोसेस है ये आप दोबारा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे और आपको बताऊँगा कि आप ट्रेवल बूस्ट कैसे कर सकते हैं, तो आपको सेम प्रोसेस आपको कर लेना, आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ट्रेवल बूस्ट, इस पर आपको सिंपली प्रेस कर देना, उसके बाद आपको ओके पे प्रेस कर देना है। अगर आपको चाहिए कि ये वाला जो ऑडियो है स्पेसिफिक ऑडियो इसमें और भी ज़्यादा ट्रेवल हो तो सिंपली आप ये वाला जो प्रोसेस है आपको इसको दोबारा करना होगा। मैं यहाँ पे इफेक्ट पे चले जाऊँगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली प्रेस कर देना है फिल्टर कर पे, आपको वहाँ पे फैक्ट्री प्रेजेंट पे आप यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वो दोबारा सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा हो चुका है इसको आपको कम करना है तो आप यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, सिंपली आप ट्रेवल कट भी कर सकते हैं, बेस को भी आप कट कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर आपको ये वाला जो मैं यहाँ पे इसको मैंने दोबारा सिलेक्ट लिया तो अगर आपसे कोई सा भी गलती हो जाए तो आपको यहाँ पे अंडू और रीडू दोनों का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आप दोनों से यहाँ से अंडू और रीडू कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर ये वाला जो स्पेसिफिक ऑडियो है इसका जो साउंड है उसको इंक्रीज करना है तो सिंपली आपको इफेक्ट पर दोबारा चले जाना, फर्स्ट में ही आपको एम्पलीफाई का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, सिंपली आपको इस पर प्रेस कर देना और यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पलीफाई का, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी सारा कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज करना है ऑडियो को तो आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा आपका ऑडियो का प्रोफाइल रहेगा उसी हिसाब से ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये आपको सजेस्ट करेगा कि इसमें ये वाला जो ऑडियो है स्पेसिफिक ऑडियो इसमें आपको साउंड को डिक्रीज करना है या फिर इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये वाला देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मैनुअली करना है तो आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं, आपको कोई सा दिक्कत नहीं आएगा, उसका आप सिंपली ओके पे प्रेस कर देना। तो अगर आपको चाहिए कि ये वाला जो ऑडियो मैंने पूरा का पूरा एडिट कर लिया, लेकिन अगर आपको थोड़ा चाहिए लग रहा है थोड़ा ऊंच नीच तो आप यहाँ पे नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, आपको इसमें एक फीचर देखने के लिए मिलेगा जिससे आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। नॉर्मलाइज मतलब कि ये वाला जो ऑटोमेटिकली आपके जो ऑडियो प्रोफाइल को एक बार चेक करेगा और आपको बताया कि इसमें जो साउंड है वो इंक्रीज होना चाहिए फिर डिक्रीज होना चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला पूरा का पूरा अपने हिसाब से आपको बता देगा, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना है। तो अगर आपको इसमें और भी ज़्यादा बेस को इंक्रीज करना तो आप सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार आपने यहाँ पे पूरा का पूरा ऑडियो को एडिट कर लिया, आपने यहाँ पे बेस इंक्रीज कर लिया, आपने यहाँ पे ट्रेवल इंक्रीज कर लिया, आप यहाँ पे जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको आपने डिक्रीज कर लिया, उसके बाद आपको चाहिए कि ये वाला जो ऑडियो है उसमें एक्सपोर्ट करूँ या फिर सेव करूँ, तो आपको इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पे फाइल में चले जाना, उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे तीन फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये वाला स्पेसिफिक ऑडियो को। यहाँ पे MP3 का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, WAV का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, OGG का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जिस फॉर्मेट पे आपको एक्सपोर्ट करना है आप यहाँ पे सिंपली उस पर प्रेस करेंगे, एक्सपोर्ट एज MP3 मैं कर रहा हूँ, इस पर मैंने सिंपली यहाँ पे प्रेस कर लिया और यहाँ से आप जाकर फाइल के नेम को भी आप रीनेम कर सकते हैं, उसके बाद सिंपली आपको सेव पे प्रेस कर देना है, उसके बाद आपको येस कर देना, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना, तो ये वाला जो एडिटेड ऑडियो है ये आपके PC या फिर लैपटॉप में सेव हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सुनाऊंगा कि पहले ये वाला जो ऑडियो था वो कैसे था और अभी ये वाला जो ऑडियो है वो कैसे है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ कि अभी ये वाला जो ऑडियो है वो कैसे है। तो अभी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में आपको एक भी नॉइज देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहले वाला जो ऑडियो था उसमें आपको बहुत सारा नॉइज देखने के लिए मिल रहा था। ये बैकग्राउंड का जो नॉइज है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप किसी भी ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला तरीका ये वाला ट्रिक आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो और बनाता रहूं। तो मिलते हैं आपको इसके अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।